कोरोना संकट के बीच संसद का सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस वजह से संसद सत्र की तैयारियों में तेजी आ गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निर्देश देते हुए कहा है कि सत्र के दौरान सुरक्षा के माकूल इंतजाम हों। उन्होंने सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बैठक भी की। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मॉनसून सत्र लगभग 40 दिन देर से शुरू हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 18 सिटिंग्स होंगी। इस बार शनिवार और रविवार को भी संसद की कार्यवाही चलेगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए अध्यादेशों पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में गांधी परिवार के 5 करीबी नेताओं को जगह दी गई है। इनमें प्रमुख हैं पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, डॉक्टर अमर सिंह और गौरव गोगोई को समिति में शामिल किया गया है। समिति के संयोजक की जिम्मेदारी जयराम रमेश को सौंपी गई है, जबकि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को बाहर रखा गया है। 2 दिन पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान गुलाम नबी आजाद की लिखी चिट्ठी को लेकर हंगामा भी हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि एनटीए के डीजी ने उन्हें जानकारी दी है कि जेईई के 8.58 लाख कैंडिडेट्स में से 7.5 लाख और नीट के 15,97,000 कैंडिडेट्स में से 10 लाख छात्रों ने पिछले 24 घंटे में एडमिट कार्ड्स डाउनलोड किए हैं। मंत्री ने कहा कि यह दर्शाता है कि छात्र चाहते हैं कि परीक्षा किसी भी कीमत पर आयोजित की जाए। बता दें कि जेईई 1 से 6 सितंबर के बीच इनकी परीक्षाएं होंगी, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देश में मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, ऐसे में लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकालने की इजाजत के लिए उत्तर प्रदेश के सैयद कल्बे जब्बात ने पिटीशन लगाई थी। उन्होंने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की इजाजत देने का हवाला दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथपुरी का मामला अलग था, वहां रथ को एक तय जगह से दूसरी जगह ले जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर दावे वाली याचिका खारिज कर दी है। सैनिटाइजर और बाकी स्वास्थ्य रक्षक सामान बनाने वाली चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट में अपनी दलील साबित करें। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अरुद्र इंजीनियर्स का कोरोनिल नाम का दावा मानते हुए पतंजलि को कोरोनिल का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव समीकरण बनाए जाने लगे हैं। महागठबंधन से नाता तोड़कर अलग हो चुके हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी के एनडीए में दोबारा से एंट्री की तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि उनके एनडीए के सहयोगी के तौर पर अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। देश में कोरोना की रफ्तार पर करेंगे आगे बात। देश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33 लाख के पार हो गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इससे पहले 22 अगस्त को सबसे ज्यादा 70,067 लोग संक्रमित मिले थे। संक्रमितों के बढ़ने के बीच राहत की खबर यह है कि मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी तेज हो गई है। इस बीमारी से अब तक 25,23,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो ये 1% बढ़कर 76.24% हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,693 नए केसेस सामने आए हैं। 17 लोगों की मौत हुई है और 1,154 लोग इलाज से ठीक भी हुए। दिल्ली में अब तक 1,65,764 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 1,48,897 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक संक्रमण से 4,347 मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर महाराष्ट्र में भी कम नहीं हो रहा है कोरोना का कहर।
पिछले 24 घंटे में 14,888 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच गई है। मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,854 नए केसेस सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 122 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 14,189 हो गई है। इनमें 2,622 एक्टिव केसेस हैं और 11,423 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 144 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी लगातार इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। डॉक्टर्स की सलाह पर फिलहाल वो होम आइसोलेशन में हैं। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं